वालेकुम फ्रेंड्स मैं हूं फातमा और आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ चिकन यखनी पुलाव तो इजी तरीके से बताऊँगी तो इसके लिए मैंने हाफ़ के जी चिकन ले लिया है हड्डी वाला हमने चिकन इसमें डालना है एक पंच लहसन का हम डालेंगे इसी तरह से साबुत डालेंगे एक अनियन ले लिया है मीडियम साइज़ का और हम इसमें डालेंगे थ्री टेबल स्पून सीड्स और एक हम इसमें सिनेमन स्टिक डालेंगे एक छोटा सा पीस मैंने बादियान का लिया है अगर आपके पास सौंफ हो तो थ्री टेबल स्पून आपने सौंफ भी डालनी है वन टेबल स्पून नमक अभी डालेंगे बाकी बाद में दो मैंने तेज़ पत्ते लिए हैं और इस तरह से मेरे पास सीजनिंग फ़िल्टर है इसमें हम मसाले डाल के इसको फ्लेवर देंगे आप चाहें तो मलमल का कपड़ा भी यूज़ कर सकते हैं तो इसको बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले हम सीजनिंग फिल्टर में कोरिएंडर सीड्स डाल देंगे सिनेमन स्टिक डाल देंगे और बादयान डाल देंगे और इसमें सौंफ भी आपने डालनी है थ्री टेबल स्पून इस तरह से इसको बंद कर देंगे अब मैंने पैन ले लिया है इसमें मैं चार गिलास पानी डालूंगी क्योंकि मैंने इसी गिलास के हिसाब से दो गिलास जितने चावल लिए हैं फाइव ग्राम तो इसी हिसाब से मैं इसमें पानी डालूंगी चार गिलास जितना और साथ ही हम इसमें नमक भी डाल देंगे वन टेबलस्पून नमक हम अभी डालेंगे वन टेबलस्पून नमक हम बाद में डालेंगे साथ मैंने इसमें तेज़ पत्ता डाल दिया है गार्लिक डाल दिया है प्याज डाल दिया है और इसमें चिकन डाल देंगे और अब हम इसको कुक करेंगे और साथ ही हमने सीजनिंग फिल्टर भी डाल देना है ताकि सारे फ्लेवर्स इसमें आ जाएँ तो मैंने इसको कवर कर दिया था अब मैं कवर करके इसको लो फ्लेम पर कुक कर रही हूँ ताकि चिकन भी अच्छी तरह से गल जाए इसमें सारा फ्लेवर आ जाए यखनी हमारी रेडी हो जाए तो इस तरह से आप देखें इसके ऊपर इस तरह से थोड़ी सी टस्ट आ जाती है चिकन की तो ये आपने रिमूव कर देनी है स्पून के साथ चिकन की यखनी बिल्कुल रेडी हो गई है चिकन भी अच्छी तरह से कुक हो गया है तो अब हम चिकन को अलग करके रख देंगे और जो यखनी है उसको छान लेंगे और उसमें से ये बेलीव हम निकाल लेंगे और यखनी को आपने मैयर करके रखना है चार गिलास यखनी होनी चाहिए अगर कम है तो हम उतना पानी डाल लेंगे तो अब हम यखनी पुलाव बनाना शुरू करेंगे तो बाकी के इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता दूँ पाँच सौ ग्राम मैंने चावल लिया है इस तरह से गिलास हर घर में होता है तो इसके हिसाब से दो गिलास जितने मैंने चावल लिए हैं और एक लार्ज साइज़ का मैंने अनियन लिया है इसको मैंने स्लाइस में कट करके रखा है और मैंने छह हरी मिर्चें ली हैं क्योंकि इसमें और कोई मसाले नहीं डालेंगे इसी के साथ स्पाइसी होगा और वन टेबल स्पून हम इसमें एक पिसा हुआ लहसुन डालेंगे आप चाहें तो अदरक भी डाल सकते हैं लेकिन मैं लहसुन डालती हूँ हाफ कप हम इसमें दही डालेंगे दो मैंने बड़ी इलायचियाँ ली हैं और छः मैंने छोटी इलायची सब्स इलायची जिसको कहते हैं और मैंने दस साबुत काली मिर्चें ली हैं एक मैंने कनौर का चिकन स्टॉक क्यूब लिया है ये ऑप्शनल है अगर आप डालना चाहें तो डालें इसके साथ अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है वन टी साबुत ज़ीरा लिया है और मैंने छः लौंग ली हैं तो अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले पैन में हम थ्री फोर्थ कप जितना ऑयल डाल देंगे आप घी भी यूज़ कर सकते हैं तो ऑयल को थोड़ा सा हम गर्म होने देते हैं तो अब हम इसमें प्याज डाल देंगे प्याज हमने इसमें डाल दिया हल्का सा हमने इसको मिक्स कर देना है अब हमने प्याज को अच्छा सा डार्क गोल्डन सा कलर देना है क्योंकि जितना अच्छा हम प्याज को कलर देंगे उतना अच्छा चावलों का कलर आएगा तो इस तरह से मैंने इसमें प्याज डाल दिया है अब साथ ही हम इसमें गरम मसाले डाल देंगे साबुत गरम मसाले जितने भी मैंने आपको दिखाए थे इसमें सब्ज इलायची थी और बड़ी इलायची थी उसको मैंने थोड़ा सा क्रश कर लिया था ताकि इसका फ्लेवर अच्छा सा निकल आए जीरा डाल देंगे लौंग डाल देंगे और साबुत काली मिर्ची डाल देंगे अब ये भी हम फ्राई करेंगे ताकि इनका भी अच्छा सा टेस्ट निकल आए तो अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं आज को मैंने कलर दे दिया है आप देख लें इसी तरह से हमने इसको कलर देना है इतना ही कलर देना है वरना चावलों का कलर अच्छा नहीं आएगा अब मैंने इसमें चिकन डाल दिया है और साथ ही हम इसमें लहसुन डाल देंगे पिसा हुआ और चिकन क्यूब डाल देंगे और थोड़ा सा पानी डाल के हमने इसकी भुनाई कर लेनी है ताकि लहसन का कच्चापन खत्म हो जाए अब हम इसमें हरी मिर्चें डाल देंगे दही डाल देंगे अब दोबारा से हमने इसको हाई फ्लेम पर फ्राई करना है हल्के हाथों से हम इसको मिक्स करेंगे ताकि चिकन टूटे ना अब दही का पानी ड्राई कर लेंगे हाई फ्लेम पर ताकि घी निकल आए तो अब देखें ऑयल निकल आया है तो अब मैं इसमें यखनी डाल रही हूँ चार गिलास यखनी हमने इसमें डालनी है अगर यखनी आपकी कम हो जाए तो आप उसकी जगह पानी भी डाल सकते हैं आपने परेशान नहीं होना उसकी जगह आपने पानी डाल लेना है तो चार गिलास हमने इसमें पानी डाल लिया है और वन टेबल स्पून मैं इसमें नमक इस टाइम पर डाल रही हूँ आप टेस्ट भी कर सकते हैं अगर आपको और चाहिए हो तो आप और भी डाल सकते हैं तो इसको हल्का सा मिक्स कर लेते हैं अब हम इसको हाई फ्लेम पर कुक करेंगे ताकि इसमें बॉयल आ जाए तो इसमें बॉयल आ गया है पानी में तो अब मैं इसमें चावल डाल दूँगी चावल डालने के बाद भी आप नमक टेस्ट कर सकते हैं अगर आपको और ज़रूरत हो तो आप और डाल सकते हैं आपको कैसे पता चलेगा जब आप इसको टेस्ट करेंगे थोड़ा सा ये कड़वा सा होना चाहिए थोड़ा इसमें तेज़ नमक होना चाहिए क्योंकि अभी ये पानी है तो ये ड्राई होगा तो इसमें अच्छी तरह से लेवल हो जाएगा टेस्ट हल्का सा चावलों को मिक्स किया अब मैं इसको कवर कर दूंगी पहले हम इसको मीडियम फ्लेम पर रख के इसका पानी ड्राई करेंगे फिर हम इसको दम पर रखेंगे तो अब देखें चावल का पानी बिल्कुल ड्राई हो गया है तो तवा मैंने साइड पर गरम किया था अब इस पर हम पैन रख देंगे और बिल्कुल स्लो फ्लेम करके 10 मिनट के लिए हम चावलों को दम दे देंगे ताकि अच्छी तरह से चावल कुक हो जाएं तो देखिए माशाल्लाह से हमारा चिकन यखनी पुलाव बिल्कुल रेडी हो गया है ऊपर स्टीम भी आ गई है तो हम इसको हल्का सा मिक्स कर लेते हैं तो बहुत ही इजी है और जल्दी बन जाता है तो ज़रूर मेरी रेसिपी के साथ ट्राई कीजिएगा तो देखिए एक एक चावल बिल्कुल अलग है और बहुत ही मज़े का रेडी होगा खुशबूदार बनेगा जायकेदार होगा तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी साथ में मैंने रायता सर्व किया है चटनी सर्व की है और सैलड है दुआओं में याद रखिएगा अल्लाफ़